हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। रीजनिंग के सेशन में हम लोग कर रहे हैं फिगर मैट्रिक्स। तो हमने पिछले बार जान लिया था कि जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, हमने 10th 12th में ये सब है ना पढ़ी हुई है पहले भी। एंड हमने जान लिया था कि मैट्रिक्स में किस तरह से मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है और फिगर मैट्रिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, जो विगत वर्षों में विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं ए ग्रेड से लेकर लो ग्रेड तक की, जो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में ये सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो UPSC हो, UPBEd हो, UPPSC हो, है ना, या फिर आपका SSC CGL CPO, या फिर कॉन्स्टेबल GD कॉन्स्टेबल, या फिर MTS, जो भी है, रेलवेज की परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपनी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सरसाइज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है,
ठीक है। इस क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीसेट 2014 में। बीएड 2008। चल अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ठीक है, देखो पैटर्न देखते हैं हम लोग, है ना। दो सीधे तीर हैं, दो सीधे एरो हैं, ठीक है। दूसरे फिगर की तरफ जब हम चलते हैं, ठीक है, दूसरे फिगर में क्या है, पहला तीर का जो डायरेक्शन है वो सेम रहा बट दूसरे तीर का बदल गया, यानी कि दूसरे का बदला है। अब तीसरे फिगर में जब हम चलते हैं तो पहले वाले का बदल गया, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, है ना, इसमें दूसरे वाले का हुआ था, है ना, तीसरे वाले का सेम सेम। अगर हम चलते हैं दूसरी रो में, अगर हम चलते हैं तो अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो पहला वाला अनचेंज रहना चाहिए, दूसरा वाला चेंज होना चाहिए। तो दूसरे वाले का चेंज हो गया डायरेक्शन, है ना, इसमें पहले वाले का चेंज होना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, थर्ड पैटर्न में भी वो होगा, ठीक है। अब देखो ये है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये वाला एरो तो यही सेम रहने वाला है, पहला एरो नहीं बदलेगा, है ना, दूसरे एरो की डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है ना, दोनों तीर सीधे हैं तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, चलो नोट कर लो इसे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन ठीक है। तो पहला जो फिगर है वो कैसा बना के रखा है इन्होंने, तीसरा क्या है,
ठीक है। ठीक है, चलो ए बी सी डी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2007 में। एसएससी सीजीएल 2007 में, 2007 में। अब देखते हैं क्या है इस फिगर में, इस फिगर के पैरेलल क्या आएगा अगर इस फिगर के पैरेलल, है ना, पैरेलल ये है रो में। ठीक है, तो देखो सर्किल है, ठीक है, और एक आकृति बनी हुई है। बट देखो ये दो आकृति बनी हुई है ना, दो हाफ सर्किल से बनी हुई है, यानी कि ये जो दो हाफ सर्किल है ना, ये जो दो हाफ सर्किल हैं इनको मिला के क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया, यानी कि सैंडविच कर दिया गया है ऐसे करके, और एक कंप्लीट सर्किल मिल गया। इसी तरह ये जो फिगर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं इनको एक दूसरे के नीचे लगा देना है। देखो लगाते हैं, नीचे वाले फिगर को एज इट इज रहने देना है। ठीक है, नीचे वाले फिगर को पलटते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसी आकृति निकल के आ रही है, किस तरह की आकृति जो है निकल के आ रही है। अगर देखो इस लाइन को, है ना, मिटा दें, कोई फिगर इसमें दिख रहा है ऐसा? ठीक है, देखो कोई फिगर दिख रहा है? नहीं, ये तो नहीं है, बी है। तो बी फिगर है, जो बी होगा इसकी सही आकृति होगा, बी सही, एक सही आंसर होगा मैट्रिक्स फिगर का। ठीक है, तो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल 2008। क्वेश्चन फिगर, ऑप्शन आंसर फिगर्स,
एक ठीक है, ये देखे रखा है। तो जो एनालॉगी यहाँ ड्रॉ हो रही होगी, ठीक है, वो एनालॉगी है ना यहाँ ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, तो जब हम इस साइड से इस साइड जाते हैं तो यहाँ क्या है, सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन किस में बन जाती है, डबल लाइन में। और इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो डबल लाइन किस में बन जाती है, सिंगल लाइन में। ठीक है, यानी कि इससे इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, है ना, जो लाइन है वो एक माइनस हो जाती है। तो यहाँ कितनी लाइनें हैं, तीन, और यहाँ पे कितनी होगी फिर, दो। ठीक है, तो दो लाइनों वाला फिगर ढूंढो इसमें कोई सा भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो लाइनों वाला फिगर, सही है। चलो नोट कर लो इसे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलो देखते हैं, इधर से इधर की मैट्रिक्स देखते हैं ना, इस साइड से इस साइड की, है ना। तो इस साइड पहला देखते हैं, तो इसमें तीन भुजाओं वाला ट्राइंगल है, इसमें चार भुजाओं वाला चतुर्भुज है यानी कि रेक्टेंगल है ना, इसमें पांच भुजाओं वाला पेंटागन है, 1 2 3 4 5, इसमें पांच भुजाओं वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, पांच भुजाओं वाला रेक्टेंगल है, इसमें तीन भुजाओं वाला क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर चार भुजाओं वाला क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पांच भुजाओं वाला पेंटागन, चार भुजाओं वाला रेक्टेंगल, तो यहाँ क्या होगा। अब देखो यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ एक ग्रुप बन रहा है ना, ग्रुप बन रहा है ऐसे तीन उनका, ठीक है, ऐसी तीन आकृतियों का जो एक दूसरे से एक भुजा ज्यादा रखती है, यानी कि तीन है, एक चार है, एक पांच है, इस यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक तीन चार पांच वाला, पांच चार, तो यहाँ भी क्या होगा, एक पांच वाला है, चार वाला है, किसकी कमी किसकी है, तीन वाले की। ठीक है, तो देख लो ट्रायंगल किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ठीक है, ठीक है, चलो। तो देखो, रेक्टेंगल दिए हुए हैं पहले रो में सारे के सारे, ठीक है, और साइज ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है इसका साइज, है ना। ये साइज था, बढ़ गया, फिर तीसरे में और बढ़ गया। इसमें सारे ओवल हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह का होगा ट्राइंगल, कुछ अगर देखें तो इस तरह का ट्राइंगल। इस तरह का ट्रायंगल देखने को मिलेगा,
है। ये भी नहीं, ऑप्शन डी जो आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो इस पे लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।